हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बीएड के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में बताया था कि किन किन स्टूडेंट्स को बुलाया गया है किस किस डेट के ऊपर, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था कि उससे पिछले वालों को बुलाया है कि आगे वालों को बुलाया है। तो इसके लिए गाइस मैंने फिर से इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर और करने की कोशिश की है, एक अच्छी वीडियो बनाकर। तो गाइस जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप खुद भी चेक कर सकते हैं सर्व करके, HPU के ऊपर आपको जाना है, ठीक है गाइस, और वहाँ पे सीधे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मेडिकल के लिए हम बात करें तो जैसा कि 3 तारीख को काउंसलिंग है, तो जनरल ओपन वालों के लिए गाइस टोटल सीट्स है 25, ठीक है, और स्कोर अप टू ऑल 114 और उससे ऊपर जो है गाइस वही बुलाए गए हैं, इस बात को समझो आप। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टोटल 45 कैंडिडेट्स हैं। ओबीसी ओपन की बात करें तो 8 सीटें रहेंगी गाइस, 108 से ऊपर जो मार्क्स होंगे गाइस उनको बुलाया गया है, और 18 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। तो ऐसे ही गाइस आप यहां पर चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर वीडियो ये बनेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे, चाहे आप IRDP के लिए देखना चाहते हैं, OBC PH के लिए देखना चाहते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड या कोई भी कैटेगरीज के लिए आप देखना चाहते हैं गाइस वो देख सकते हैं। और ₹200 जो है आपके 200 रुपीज़ जो काउंसलिंग के लिए फीस रहेगी। अब बात करें गाइज नॉन मेडिकल की, मैं आगे चल के आर्ट्स एंड कॉमर्स की भी आपको यहीं पर बताऊंगा। तो 4 तारीख को रहेगी और नंबर ऑफ सीट्स टोटल रहेंगी 44 गाइज, 115 से ऊपर जिनका स्कोर है उनको बुलाया गया है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 74 हैं। और ऐसे ही आप OBC ओपन के लिए 14, 109 एंड अबव कट ऑफ है गाइज, 28 नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए गए हैं। और ऐसे ही आप पूरी चेक कर सकते हैं गाइज बाकी कैटेगरीज के लिए भी आप यहां पर देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझसे प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। चलिए गाइज अब बात करते हैं अपनी आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए। 5/10/2018 को बुलाया गया है, 35 नंबर ऑफ सीट्स, 114 एंड अबव स्कोर एंड 56 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर द बीएड काउंसलिंग। ओके गाइज, तो यहाँ पर फिर से आप चेक कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ स्कोर्स अप टू कॉल्ड एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव बीन कॉल्ड फॉर बीएड काउंसलिंग। एंड फॉर एवरी कैटेगरी गाइज, आइदर दैट इज एक्स सर्विस मैन, SC PH, ST PH, तो कुछ के लिए कोई सीट्स अवेलेबल भी नहीं है, कुछ के लिए अवेलेबल है गाइज, सो यू कैन चेक इट गाइज। ओके, सो दिस इज अ सच इंफॉर्मेशन विच इज, और ये गाइज ठीक है, काउंसलिंग फॉर्म के बारे में भी आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि काउंसलिंग फॉर्म जो है ये कैसे ये आपको फिल करना होगा गाइस। तो ये जहाँ पर एलिजिबल पूरा आप चेक कर सकते हैं क्या क्या कौन कौन सी आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स यहाँ पर देनी है। इसके लिए मैं अलग से भी वीडियो आपको बना दूंगा, लेकिन BA+2 मल्टीकुलेशन, अपनी जो भी आपने क्वालिफिकेशंस करी हैं गाइस, जो भी आपके पास डिग्रीज हैं सर्टिफिकेट्स हैं, उनकी आपको पूरी डिटेल्स देनी होगी। और बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ गाइस, सुबह का टाइम है, मेरे को भी अपने कॉलेज जाना है गाइस, इंस्टीट्यूट जाना है। लेकिन मुझे मालूम था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न था, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए गाइस मैंने सोचा कि उन्हें सुबह सुबह वीडियो बना के कन्फ्यूज़न दूर कर दिया जाए। तो आई होप गाइस आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और गाइस हैव अ नाइस डे, टेक केयर।